हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। आप लोगों को पता है, अगर आप किसी पर्सन से कोई चेक रिसीव करते हैं और उस चेक को अपने बैंक में डालते हैं और वो चेक आपका बाउंस हो जाता है, तो उस पर्सन से पैसे कैसे निकलवाएं? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपको उसके लिए एक लीगल नोटिस तैयार करवाना होगा। उस लीगल नोटिस के अंदर 15 से 30 दिन का टाइम देना होगा उस पर्सन को। अगर 15 से 30 दिन के अंदर वो आपके पैसे नहीं देता तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकते हैं। कोर्ट में केस डालने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होंगी। पहले तो चेक चाहिए होगा, ओरिजिनल चेक जो आपको उस सामने वाले पर्सन से मिला होगा, और जो बैंक से रिसिप्ट मिली होगी वो चाहिए होगी, जो जिसे कहेंगे हम मेमो। बैंक का चेक बाउंस होने का एक मेमो मिलता है, वो मेमो होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक लीगल नोटिस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास जो लीगल नोटिस आपने उसे भेजा होगा वो लीगल नोटिस है, साथ ही साथ आपको एक लीगल नोटिस भेजने के टाइम पे आपने एक एनवलप में डाल के या उसकी रिसीविंग होगी आपके पास, एक वो चौथी रिसीविंग होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपके पास होंगी तो आप सामने वाले पर्सन के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं, और साथ ही साथ उस पर्सन से एक तो अपना अमाउंट तो निकलवा ही सकते हैं, साथ ही साथ उससे डबल अमाउंट भी निकलवा सकते हैं। और अगर आपने किसी एडवोकेट के थ्रू केस डलवाया तो उस एडवोकेट की फीस भी निकलवा सकते हैं। तो ऐसी लीगल टिप्स और सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो कर देना। थैंक यू।